कुरुक्षेत्र के पीहुआ के गांव भैंसी माजरा में भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी के चुनाव कार्यक्रम में दर्जनों युवकों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आई। इससे कार्यक्रम में पहुंची कई महिलाएं भी जख्मी हो गई। हमलावरों ने पत्थर बरसाते हुए भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और कुर्सियों को भी पलटते हुए टेंट उखाड़ दिया। कार्यक्रम में मौजूद जो भी शख्स सामने आया उसे जमकर पीटा गया। हमला होते देख नायब सिंह सैनी ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि गांव सारसा और भैंसी माजरा में भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में प्रत्याशी तय किए गए थे। शाम को नायब सिंह सैनी भैंसी माजरा में वाल्मीकि चौपाल पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। जब ईंटें बरसी है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो मौके पे थे। नहीं, वहाँ पर गांव के काफी संख्या के अंदर लोग उपस्थित थे और जब उन्होंने आकर के हमला बोला तो हमले के अंदर गांव के कुछ लोग भी जख्मी हुए हैं। एक महिला थी, उस महिला को भी काफ़ी चोट आई है और मैं वहां जाकर भी आऊँगा, परिवार के अंदर गांव के अंदर जाकर के आऊँगा। इस प्रकार का लोकतंत्र के अंदर ये अशोभनीय है जिस प्रकार का तांडव इन्होंने रचा है। हरियाणा प्रदेश की जनता जब इन्होंने भ्रष्टाचार जब ये भ्रष्टाचार घोटाले किए हैं और प्रदेश की जनता का अपमान किया है, तभी तो हरियाणा की प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया। अब इनके पास पल्ले कुछ रहा नहीं। जींद के उपचुनाव के अंदर एक की 2000 वोट आए, एक के 20000 आए, ये हालात इनके किए। और अब लोकसभा के अंदर दोनों का सुपड़ा साफ, तीनों का सुपड़ा साफ हो रहा है, कांग्रेस का भी हो रहा है। जिस प्रकार का कांग्रेस के लोगों ने और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका छोरा, दोनों के दो हार रहे हैं, वो बच ही नहीं रहे हैं। क्योंकि प्रदेश की जनता जानती है जो इन्होंने जिस प्रकार का तांडव ये करते हैं, जिस प्रकार की लूटपाट इन्होंने हरियाणा के अंदर की है, ये सारा का सारा जनता देख रही है। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।